हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज है हमारे पास अंदाज का ई रिक्शा, जो कि हमको प्रोवाइड किया है अंदाज जबलपुर शोरूम ने। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी शोरूम से रिलेटेड, तो आप डिटेल देख के शोरूम विजिट कर सकते हैं एंड कभी भी इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हीकल से। सबसे पहले फ्रंट में आपको एक छोटा ग्लास एरिया मिल जाता है विद सिंगल वाइपर, बट ई रिक्शा में भी आपको ये फ्रेमलेस वाइपर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको अंदाज की बैजिंग, नीचे आपको यहाँ सिंगल बल्ब हेलोजन मिल जाएगा अपर डिपर के लिए, उसके बाद नीचे हो गई आपकी नंबर प्लेट के लिए जगह। यहाँ पे आपको दिए गए शॉक अप्स, ये हो गया आपका हॉर्न, यहाँ पे हो गया आपकी पार्किंग लाइट एंड ऊपर हो गए आपके दोनों साइड इंडिकेटर्स। उसके बाद इसके टायर सेक्शन की बात करें, यहाँ पे आपको नीचे ये ब्रेक देखने को मिल जाएगा, इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं एंड ये आपको ब्लैक रिम में टायर मिल जाएंगे। बात करते हैं इसकी चाबी की, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। यहाँ पे लॉक अनलॉक दिया गया है, तो अगर आप लॉक करने के बाद गाड़ी में यहाँ चाबी लगाएंगे तो ये बजर बजने लगता है इसका। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ दी गई है, इसमें ये अलार्म बटन है, ये अनलॉक बटन है और ये लॉक बटन है। इसके कैबिन की बात करें तो यहाँ पे आपको चार पैसेंजर्स के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों सीट के नीचे यहाँ पे बैटरी दी गई है, ये देखिए दो यहाँ पे, तो इसमें टोटल चार बैटरी दी गई हैं। पीछे आपको यहाँ बैक रेस्ट भी दिया गया है, तो यहाँ बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हो इसमें। पीछे आप देखोगे तो यहाँ आपको स्टेपनी मिल जाती है, ये पूरा मेटल का फ्रेम बना हुआ है। बीच में आपको नंबर प्लेट की जगह, यहाँ पे आपका रिवर्स लाइट, इंडिकेटर एंड देन ब्रेक लाइट। नीचे आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे एंड ये बम्पर गार्ड भी दिया गया है। यहाँ पे आपको इसमें मड फ्लैश मिल जाएंगे और पीछे के दोनों टायरों में आपको व्हील कवर भी मिल जाएगा टायर के साथ। यहाँ पे ऊपर आपको ये पूरा मेटल की ही शीट मिल जाती है पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। यहाँ पैसेंजर्स के लिए आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, तो चारों पैसेंजर के लिए आपको एक एक ग्रैब हैंडल दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो आगे आपको ड्राइवर के साथ, अगर आपका कंडक्टर या असिस्टेंट जो भी है उसके लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी एंड यहाँ पे अगेन आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा। इसके बाद इस सीट में भी आपको यहाँ से ओपन हो जाती है पीछे से, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज दिया गया है, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत सामान है तो इसमें आप इजीली स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बैग मिल जाता है छोटा सा सामान स्टोर करने के लिए। यहाँ पे ये ब्रेक पैडल के सपोर्ट के लिए, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको ये बॉक्स दिया गया है, जो कि आपको ब्रेक प्रेस करने में काफ़ी ईजी रहता है। यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको ये एक्सीलेटर के साथ ब्रेक, एंड मैं इसमें आपको चाबी लगा के बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ हॉर्न मिल जाएगा, इंडिकेटर मिल जाएगा, अपर लोअर बीम के लिए बटन मिल जाएगी, हेडलाइट ऑन करने के लिए बटन, और ये हो गई आपकी पास के लिए बटन। मीटर में आप देखेंगे, मीटर में सबसे पहले राइट साइड में आपको बैटरी का परसेंटेज, अभी बैटरी 100% चार्ज है, तो ये आपका पूरा फुल सारी LED चल रही है। जैसे जैसे आपका यूसेज होता जाता है गाड़ी का, तो ये बैटरी धीरे धीरे कम होती जाती है। बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो फुल चार्ज में गाड़ी, ये वाला जो मॉडल है पर्टिकुलर, ये 120 किलोमीटर चल जाता है। इसके बाद आपको दो वेरिएंट और हैं जिसमें आपको 150 और 160 की रेंज मिल जाती है। मॉडल यही रहेगा, आपके पास बैटरी अपग्रेड का ऑप्शन रहता है हर मॉडल में। जैसे कि इस मॉडल की बैटरी कैपेसिटी अभी 120 किलोमीटर है, उसमें आप शोरूम से लेते टाइम इसको चेंज करा के 150-160 भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों टर्न इंडिकेटर की जगह मिल जाती है, ये हो गई आपकी रिवर्स लाइट की जगह, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप इसमें रिवर्स लगाएंगे तो ये सायरन बजने लगेगा, रिवर्स सायरन, एंड ये हो गया आपका फ्रंट। तो फ्रंट प्रेस करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और दबाएंगे तो गाड़ी पीछे जाएगी। यहाँ पे आपकी हाई बीम लाइट के लिए लैंप दिया गया है एंड यहाँ पे आपको ये स्पीडोमीटर दिया गया है, गाड़ी तक का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 35-40 चला जाता है, 35 तक ईजिली चला जाता है। यहाँ पे आपको गाड़ी की ऑडो रीडिंग मिल जाएगी, जो कि अभी नई गाड़ी तो 16 किलोमीटर ही चली हुई है। एंड इसका रिमोट चाबी तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे आपको यहाँ USB चार्जर मिल जाता है, तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे या जब ड्राइव कर रहे हो फ़ोन चार्ज यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ USB चार्जर के साथ एक छोटी सी बटन भी दी गई है। यहाँ पे आपको ऊपर ये म्यूज़िक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये देखिए ब्लूटूथ वाला म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है आपको। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक प्लेयर से रिलेटेड सारे कंट्रोल, ये कैबिन लाइट और साइड में दो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ये बॉटल होल्डर मिल जाता है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए होल्डर, जब आप ले लेंगे कंपनी से, जब फाइनल डिलीवरी होगी तो आपको वहाँ लगा हुआ मिलेगा। एंड यहाँ पे है इसका चार्जर, एंड जो इसका चार्जिंग टाइम है वो अप्रॉक्स 5-6 आवर्स लगता है फुल बैटरी को चार्ज होने में। इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसकी बैटरी पे आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है, बैटरी और मोटर दोनों पे इसमें आपको एक साल की वारंटी मिलती है। एंड आपने बैटरी का जो नाम सुना होगा कंपनी का, लिवगार्ड, तो लिवगार्ड का ही ये अंदाज ब्रांड है, लिवगार्ड ने ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है।
तो ओवरऑल कुछ ऐसा रिव्यू था इसका। तो अगर ये आप चाहते हैं गाड़ी ओन करना तो सिर्फ 40,000 मात्र 40,000 रुपये दे के आप इसको शोरूम से ले जा सकते हैं डाउन पेमेंट देके, एंड जो बाकी ईएमआईज हैं वो भी इजी हैं, काफ़ी इजी इंस्टॉलमेंट में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।